अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा इंटर जो अज जो टॉपिक पान खड़ी आयो कल पढ़ियो सी ना होम्योस्टेसिस उन एस्पेक्ट्स उन एस्पेक्ट्स में अज आए ऑस्मोरेगुलेशन। बेटा ऑस्मोरेगुलेशन दैट मीनिंग प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जो प्रोसेस है उनमें सॉल्ट एंड वाटर वाटर जो बैलेंस बॉडी के अंदर है। सपोज कहां भी शय की परसेंटेज या कंसंट्रेशन जो होंगी है नॉर्मल खां असाजे बॉडी के अंदर प्लांट के बॉडी के अंदर नॉर्मल कंसंट्रेशन का जेकरा वधिक है या घट बिन्ही सूरतुन में जो है चाहती जर परसेंटेज साल्ट की वधिक है रिजल्ट नतीजो का इम्बैलेंस का डिजीज को मसलो इवन डेथ जर वाटर की परसेंटेज घट है तदा प्रॉब्लम वधिक है तदा प्रॉब्लम माना एक बैलेंस हो कहीं भी शे जो एक्सेस में का भी शे होंगी ना नुकसानकार होंगी उनके करे सॉल्ट वाटर बैलेंस बरकरार रहने खपे उन प्रोसेस ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जो प्रोसेस बेटा रिलेटेड है सीधो ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस चाहे ऑस्मोसिस The word osmosis is the combination of two words. Osmo, osmo mana to push, yani pushing, and sis meaning process. Matlab pushing process. Matlab kya hai ki push karne jo paso process hai, unhe kaise chahunda si UIA osmosis. Jia. Pushing process what chaunga hai osmosis it is the type of diffusion it is the type of diffusion diffusion jo kisam mana movement of water molecules from highly concentrated region to its lower concentrated region through semi permeable membrane this is called as osmosis water ki jithe higher concentration hai un higher concentration ka to lower concentration movement jo hai हाँ यहाँ समझ में थोड़ी घटी या ऑस्मोसिस के पान ही डिफाइन करूं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। यहाँ पे शायद मता गाल समझ में न आई मुझे बेटा हीं निसम मतलब ता मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपर बट सॉल्यूशन छ निसम या गाल निसम पहले तो थोड़ो समझो एकड़ो हुंदो बेटा सॉल्यूट ए बियो हुंदो है सॉल्वेंट ये निसम या है सॉल्यूट सॉल्यूट की माने गरंदर एनी सॉलिड सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्वड इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब गरंदर का शे जका का सॉल्वेंट में गरी वजे सपोज लून है पानी में गरे लून सॉल्यूट खंड पानी में गरे खंड सॉल्यूट ग्लूकोज सॉल्यूट The solute cha any solid substance that gets dissolved in the solvent is called solute. Khandra ya sugar jo kahe hai salts in ke sa nalon solute. Una ka ko bhi hota hai solvent. Solvent cha garind. Jekar suppose loon hai wo solute hai. Aur pani ja me garind tha pani solvent hai. Garind solvent. Any liquid substance, solvent, any liquid substance in which the solute gets dissolved, any liquid jalat mein kaash hai,
जंहिं जे अंदर सॉल्यूट यानी खंड या लूण गई वही समझ में अचे पी सॉल्वेंट सिर्फ वाटर ना हूँ वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पेट्रोल वो भी सॉल्वेंट वरी कुछ शेयर कुछ शेयर पानी में लगा वो पेट्रोल में कर डीजल भी सॉल्वेंट पेट्रोल भी सॉल्वेंट है स्पिरिट भी सॉल्वेंट है तो खोड़ सारी शे सॉल्वेंट सॉल्वेंट हों माना गारिंदर पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट पान चवनवर्सल सॉल्वेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट चवंदा वॉटर के अचो तो हर जगह मौजूद हों समझ अची रही है। हाँ सपोज लूण है या खंड पानी में गारे छी सपोज लूण है पानी में थोड़ा सा वी कर डिजॉल्व कर हाँ यो सॉल्यूट लूण सॉल्वेंट वॉटर ये मिक्स तो सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्सचर के मिलाए इनके अस चवी ये सॉल्यूशन पुट समझ में आई था सॉल्यूशन असके गाल कई ऑस्मोसिस या ऑस्मोरेगुलेशन की तो ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन तो पुट सॉल्यूशन हाइपरटोनिक का तो सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन पर हाँ सॉल्यूशन वरी बिन किस्म एकड़ी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बी हाइपर है वो ता के गाल ही समझ में इंदी सपोज पर एकड़ो ना बीकर है एकड़ो है बीकर यो सा के साइंटिफिक स्टोर्स ता मिलंदो है जें के विच में शीशे जो ठल एकड़ो बीकर है जें के विच में सीलोफेन मेम्ब्रेन जे का ऐसा लगला विच में एकड़ी सरडी मेम्ब्रेन है जेका सेल मेम्ब्रेन जो प्रॉपर्टीज की पजेस करे सेल मेम्ब्रेन जो प्रॉपर्टीज सेल मेम्ब्रेन ये जेका छ ना सेल मेम्ब्रेन ना सेल मेम्ब्रेन ता खबर है ना परमीएबल इन नेचर आ आई वाटर एंड न्यू शेल ता ना क्रॉस कर सकन जो है तो ही जो पास सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन वांगुर या सीलोफेन मेम्ब्रेन असल में ये मेम्ब्रेन विच में चाहे सीलोफेन इन वट प्रॉपर्टीज जे कम जो है वो छावारी होती है ना सेल मेम्ब्रेन मांगर माना या जेका सा चाहे परमीएबल इन नेचर ऑफ परमीएबल इन नेचर माना या अलग कंसर्न ठीक माना ही बीकर असन जो बिने सन में रहला विच से परदो ध्यान दे हां ये को कॉमन ड्रिंकिंग वाटर पान पे ना ही बोल इन में भी सॉल्यूट्स हैं कहां जाए तो थोड़ा वधिक होता है तो चारो पानी चवना पर भली दरिया जो पानी छो न जो उनमें भी सॉल्यूट्स जे कैंसर जरूर है वो जेका सॉल्यूट्स उनमें जे कहन आई वाटर माना सा जेको भी पानी पेंदासी ना वो प्योर वाटर ना है उन सेंस में प्योर या इंप्योर माना तो जवा मतलब तो सॉल्यूट टर्म्स माना सॉल्यूशन हो आम जो का सा जो ड्रिंकिंग वाटर है नलके वाला जो को पानी है जे में थोड़ा मिनरल्स है असा हन लेवल ते इन के भरियो आएना बाहर असा निशान पे लगाए छे हाने छा करो सी यो सागो पानी जे में नेचुरली कुछ मिनरल्स मिक्स आए वरी छा था कहूं उन ग्लास पानी जो उन में असा एकड़ो चमचो लूण जो का सो मिक्स करे छे ठीक है आए असा के हन लेवल ताई भरे छे सेम लेवल ताई आए हेडा निशान लगाए छे पर हाने बिनी पासे सॉल्यूशन है हन पासे ना ये लो सॉल्यूशन है ये लो सॉल्यूशन है हन में हन सॉल्यूशन जो नालो इदो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक अहिने में लूण वधिक आहे हन के चवंदासी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एकड़ी थी हाइपोटोनिक एंडी आहे हाइपरटोनिक बेटा इन हाइपोटोनिक जब लूण घट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाने गाल के समझाने की कोशिश करदा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीनिंग अ सॉल्यूशन दैट पजेसेस अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जमे लूण नम क्या तक घट हो जन सॉल्यूशन में वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एंड अ सॉल्यूशन दैट पजेसेस अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन जमे सा सॉल्यूट लूण वगैरह वधिक हो जन जम जो लूण जो विषय है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर समझ में आई द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन माना अ सॉल्यूशन दैट पजेसेस अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ठीक निशान लगी गए
असान कलाक दिन का बाद सागी लेवल ते भरे लेन भाई हां ध्यान ते समझे पे ऑस्मोसिस प्रोसेस के कलाक डेटा का को ता दिसंदा ते ये का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आए इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की लेवल ये का ऐसा हुआ घट की भी नहीं असली का हेट की भाई पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की लेवल पांजे असली सॉल्यूशन निशान यो जो को न का वदी हुई ते छा का इंडिकेट कंदी अगर छा बुधाई तो वाटर मॉलिक्यूल जी मूवमेंट जे का है वो है ना मेम्ब्रेन जे जरिए मूवमेंट जे का वाटर मॉलिक्यूल जी है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन खांट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आए तो इसमें बे ता जे करे सा ऑस्मोसिस प्रोसेस के डिफाइन के कंदा सी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस पर इन ऑस्मोसिस जे करा सा समझ में अची वी आहे त बाकी असा के जो पण वो असा जे ला कम सफा जो को सो सवलो आहे त ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर जो बैलेंस बरकरार रखने के प्रोसेस के पण चंदा सी ऑस्मो रेगुलेशन आहे आए ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पहले थिंदो ऑस्मो रेगुलेशन इन हाँ पढ़ा सी ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पर या ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स पान सेकंड क्लिप में पढ़ा सी छो तो बाकी जो पास अगर थोड़ो भी लेक्चर वो तो थे तो नो जो पास अपलोड थे वही सेकंड क्लिप में ठीक है बेटा।